पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में होने वाले आगामी बैंकुंठ चतुर्दशी बुखाल मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। बीते त्यौहारी सीजन में दशहरा, धनतेरस व दीपावली में पुलिस ने लगातार ड्यूटी कर त्यौहार सकुशल संपर्क करवाने को लेकर पुलिस बल की सराहना की। वहीं आगामी होने वाले मेलों में भी इसी प्रकार से ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जनपद में बढ़ रही लगातार ठंड के दौरान गृह भेदन और चोरी की घटना बढ़ने की आशंका को देखते हुए SSP ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त, पीकेट बढ़ाने के साथ साथ प्रभावी चेकिंग करने के भी निर्देश दिए। SP ने थाना प्रभारी को लंबित शिकायती प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने के निर्देश दिए। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। माह अक्टूबर की आज मासिक जो समीक्षा है क्राइम के संबंध में, वो आज रखी गई थी और सभी हमारे जितने भी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी मौजूद थे। और सबसे सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किया गया, पूरा त्यौहार का समय था, दशहरे से लेकर धनतेरस, दिवाली में पूरे जनपद में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला, सभी जगह बहुत ही पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। और यातायात व्यवस्था, जो हमारी फायर की टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और तत्परता से इवन ट्रैफिक की जो व्यवस्था हर जगह थी, उसकी आम जन द्वारा भी काफ़ी सराहना की गई। तो उसके लिए इन लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। अच्छा कार्य करने वाले जो हमें हमारे कार्मिक थे, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा जो पूरी रामलीला जहाँ जहाँ पे चली, हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहाँ लगातार जन जागरूकता का भी, रामलीला के मंचन के दौरान जन जागरूकता का कार्य भी पुलिस द्वारा किया गया, जो काफ़ी सराहनीय था। लोगों ने भी उसको काफ़ी उसकी सराहना की।